74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खोले गए अटारी वाघा बॉर्डर के गेट, दोनों देश की सेना ने एक दूसरे के दी मिठाइयां। आज पूरे देश में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के साथ ही समारोह का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर पंजाब के अटारी बॉर्डर पर भी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अटारी सरहद पर बनी गैलरी में तिरंगा फहराया। इसके बाद वीर शहीदों को नमन किया गया। बीएसएफ के अधिकारियों ने सरहद से देश को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस सिर्फ हमारे लिए पर्व ही नहीं स्वाभिमान है। भारत पाक की सेना ने एक दूसरे को दी मिठाइयां। इसके बाद दोपहर में पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बीएसएफ को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी गई, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को मिठाई भेंट कर भाईचारे को संदेश दिया। अटारी बॉर्डर पर दोपहर को भारत पाकिस्तान सीमा पर गेट खोले गए, जिसके बाद बीएसएफ और पाक रेंजर्स के जवान सरहद पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और दोनों देश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई भी दी। बीटिंग रिट्रीट समारोह का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह की आयोजन किया गया था। इस समारोह में भारतीय जवानों का शौर्य देखने को मिला और चारों तरफ देशभक्ति के नारे गूंजने लगे थे। यह समारोह देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचे। बीएसएफ के जवानों के साथ उनके समकक्ष पाकिस्तानी रेंजर्स इस समारोह में हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस समारोह का आयोजन रोज किया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस समारोह की रौनक ही कुछ और होती है। इस दिन देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं।